जय हिंद पिछले वीडियोस में हमने जाना था सोर्स के बेसिस पर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर पॉलीमर तीन तरह के होते हैं लीनियर पॉलीमर ब्रांच्ड पॉलीमर और क्रॉस्ड पॉलीमर तो हम पहले लीनियर पॉलीमर के बारे में जानते हैं क्या होता है लीनियर पॉलीमर इसके परिभाषा और एग्जाम्पल्स अर्थ पूरा समझेंगे क्या होते हैं लीनियर पॉलीमर्स इसकी परिभाषा हैं इन सच पॉलीमर द मोनोमर आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन अस्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल इसमें एक ही टाइप्स के जो मोनोमर्स होंगे सीरीज में जुड़े होंगे एक दूसरे से कहीं ब्रांच ये सब दिखाई नहीं देगा एकदम स्ट्रेट चेन में होते हैं कोई ब्रांच नहीं होता है तो इस तरह के पॉलीमर्स को बोलते हैं लीनियर पॉलीमर लीनियर का मतलब ही होता है सीधा एक लाइन में तो जो एक सीध में हो उसे बोलते हैं लीनियर पॉलीमर कहते हैं इसमें द वेरियस पॉलीमेरिक चैक्ट ओवर वन अनदर टू गिव ए वेल पैक्ड स्ट्रक्चर लीनियर पॉलीमर हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई डेंसिटी एंड हाई टेंसाइल अस्ट्रेंथ ऑफ क्लोज पैकिंग ऑफ चेन जो लीनियर पॉलीमर होते हैं ये ब्रांच नहीं होने के कारण ये अस्ट्रॉगली या कहिए तो वेल well पैक्ड होते हैं बहुत तरह बहुत अच्छी तरह से पैक्ड होते हैं जिसके कारण ये गुड क्वालिटी के पॉलीमर होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है इनकी डेंसिटी भी हाई होती है मतलब कोई गैपिंग नहीं होता और ये मजबूत भी होते हैं इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ या ये तो मजबूती सबसे ज़्यादा होती है हर तरह के पॉलीमर में सबसे अच्छे पॉलीमर्स माने जाते हैं लीनियर पॉलीमर्स इसके एग्जाम्पल्स हैं नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलीमर नायलॉन एंड पॉलिस्टर आपको पता होगा नायलॉन और पॉलिस्टर से रस्सियाँ और कपड़े बोरा ये सब बनाए जाते हैं और इसके स्ट्रक्चर्स यहाँ दिखाए गए हैं लीनियर है कोई ब्रांच इसमें नहीं है भले ही थोड़ा सा टेढ़ा हो लेकिन विदाउट ब्रांच वाला है बिना ब्रांच वाला इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर पॉलीमर देखिए ये स्ट्रक्चर्स है लीनियर पॉलीमर्स का ये जरूर याद रखिएगा बहुत ज़रूरी है दूसरे हैं ब्रांचड पॉलीमर इसका नाम ही है ब्रांच मतलब इसमें शाखाएं निकली होगी गई ब्रांच्ड पॉलीमर इसमें कहा गया है इन सच पॉलीमर द मोनोमर यूनिट्स नॉट ओनली कम्बाइंड टू फॉर्म द लीनियर चेन बट आल्सो फॉर्म ब्रांच अलोंग द मेन चेन इस तरह के पॉलीमर में तो एक लीनियर चेन होता ही है साथ ही इसमें से कई सारे ब्रांच निकले होते हैं इसलिए इसको ब्रांचड स्ट्रक्चर बोलते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर बोलते हैं तो ब्रांच्ड पॉलीमर्स होने से इसकी थोड़ी मजबूती कम हो जाती है लीनियर पॉलीमर्स की अपेक्षा कहते हैं दिच पॉलीमर्स मॉलिक्यूल्स डू नॉट पैक्ड वेल बिकाउज ऑफ ब्रांचेज ब्रांचेज होने के कारण ये अच्छी तरह से पैक्ड नहीं होते हैं अच्छी तरह से पैक्ड नहीं होने के कारण इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाती है डेंसिटी भी कम हो जाती है और स्ट्रेंथ मजबूती भी कम हो जाती है लीनियर पॉलीमर के कंपैरिजन में तो लीनियर पॉलीमर में तो कोई ब्रांच होता नहीं है जिसके कारण उसकी अच्छे टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन ब्रांच हो जाने के कारण ये जो ब्रांच्ड पॉलीमर हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मेल्टिंग पॉइंट ये सब कम हो जाता है लो हो जाता है इसके तीसरे हैं एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ब्रांच चेन पॉलीमर पॉलीमर इज लो डेंसिटी पॉलीथीन पॉलीथीन दो तरह के होते हैं एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन और एक लो डेंसिटी पॉलीथीन हाई डेंसिटी पॉलीथीन तो लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं बट लो डेंसिटी पॉलीथीन ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल्स यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर्स दिया गया है एक लीनियर पॉलीमर है और उसमें ब्रांच निकले हुए हैं बहुत सारे ब्रांच निकले हुए हैं और इसके स्ट्रक्चर है लो डेंसिटी पॉलीथीन पॉलीथीन दो तरह के होते हैं हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी पॉलीथीन तीसरा हमारा है थ्री डायमेंशनल नेटवर्क पॉल पॉलीमर थ्री डायमेंशनल थ्री डी देखने में थ्री डी की तरह लगता है एक इमेज की तरह लगता है कहता है इन सच पॉलीमर द लीनियर पॉलीमर चेन फॉर्म इनिशियली आर ज्वाइन टू फॉर्म ए थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर इसमें भी एक लीनियर पॉलीमर ही होगा सीधा सीधा पॉलीमर होंगे और ये कनेक्टेड होंगे ये ब्रांच के रूप में होंगे और कनेक्टेड हैं यहाँ कनेक्टेड यहाँ कनेक्टेड यहाँ कनेक्टेड ये थ्री डी की तरह लगता है कोई इमेज की तरह लगता है ये स्ट्रक्चर इसलिए इसको बोलते हैं थ्री डी स्ट्रक्चर थ्री डी थ्री डी आप जानते होंगे थ्री डी पिक्चर्स होते हैं जो लगता है एकदम बिल्कुल सही है ऐसा ही ये लगता है इन सच पॉलीमर्स द लीनियर पॉलीमर चेन फॉर्मड इनिशियल इसमें इनिशियली में बनते हैं लीनियर पॉलीमर फिर बाद में ब्रांचड हो जाते हैं इसमें कहते हैं बीकाउज ऑफ दि प्रजेंट्स ऑफ क्रॉस लिंक क्रॉस लिंक इसमें प्रजेंट है आप देखे होंगे इसमें क्रॉस लिंक प्रजेंट है ये 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 सब क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर्स हैं लीनियर पॉलीमर को ऐड करने का जोड़ने का एक स्ट्रक्चर्स बनाने का बॉन्ड होता जिसे है जिसे क्रॉस लिंक्स बोलते हैं क्रॉस लिंक्स प्रजेंट होने के कारण इस इसीलिए इसको कहते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर दिस पॉलीमर आर हार्ड रिजिड एंड ब्रिटल ये हार्ड होता है रिजिड होता है लेकिन ब्रिटल होता है इसमें लचीला पर नहीं होता है थोड़ा सा चोट देंगे तो ये चूर चूर हो जाता है हमारे एक क्लास में बताया गया था बेकेलाइट के बारे में तो इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं बेकेलाइट्स यूरिया फॉर्मल डिहाइड मेलेमाइन फॉर्मल डिहाइड पॉलीमर बेकेलाइट आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट्स बनाने में कुकर के हैंडल बनाने में इन सब का यूज करते हैं आगे इन सारे एग्जांपल्स को ध्यानपूर्वक बारी बारी से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए इतना ही थैंक यू